आज हमारी डॉल भार्गवी का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि इतनी सी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी कि हम लोग आधी उम्र के हो गए थे तब किया था। इतनी छोटी सी उम्र में जब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो कितना अच्छा लगता है। टैग तो बड़ा है लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चों की कामयाबी देखने पर हर पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलती है आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ जा रहे हो? न्यू न्यू स्कूल। क्या है न्यू न्यू स्कूल में? रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ग्रेजुएशन डे है। ओके, तो हम और दिया जाने वाले हैं ग्रेजुएशन डे में, है ना? है ना, मस्ती करेंगे ना। ओके, बाय। चलिए स्कूल पहुंच के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ। स्कूल पहुंचने के बाद सारे बच्चों को उनका गाउन दिया गया, जिसे बच्चों को तैयार करने के लिए उनके पेरेंट्स को कहा गया था। हम लोगों ने भी यहाँ पे दिया को गाउन पहनाया। उनकी टोपी जो थी वो कैप यानी कि एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा मशक्कत करने के बाद हम लोगों ने उनकी टोपी को एडजस्ट कर दिया। सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे अपने बच्चों को तैयार करने में लगे हुए थे। कितने क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे। अच्छा, आप सही बताइएगा, क्या आप लोगों ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो आपको इस टाइप का गाउन मिला था पहनने के लिए क्या? मुझे तो नहीं मिला था, और मुझे इतने छोटे बच्चों को देख करके इस टाइप के गाउन में बहुत खुशी मिल रही है। काश हम लोगों को भी मिला होता। हम लोगों ने तो जो ग्रेजुएशन किया था बस खाली गए, अपना मार्कशीट लिया, बस आ गए। और यहाँ पर इतने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए सारे बच्चों को यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहा है। हमारी दिया भी यहाँ पर वेट कर रही है अपने नंबर आने का। सारे बच्चों को सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो टाइम बचा था हम लोगों का, हम लोगों ने उसमें फोटो सेशन कराए। बच्चों को बहुत कुछ मिला था इसमें, जैसे कि चॉकलेट मिलते ही तो सारे बच्चों ने पहले ही फिनिश कर दिया था, उन लोगों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा इन लोगों को मिला था मोमेंटो ट्रॉफी, मेडल और उन लोगों का सर्टिफिकेट। तो दिया पास आउट होकर के अब नर्सरी में जा रही हैं। ये पल बहुत ही अच्छा होता है। जब भी हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ये फोटोज़ देखेंगे और उनको ये सब चीज़ें याद आएंगी। और इसके बाद भी जब हमारे बच्चे पढ़ाई करने या जॉब करने के लिए हमसे दूर जाते हैं तो जब कभी भी खाली होते हैं तो ये सब फ़ोटो देख करके हम भी उनको याद करते हैं और किस तरीके से हमारे बच्चे एक एक स्टेप आगे बढ़े हैं। यहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हुए कि कैमरे की साइड देखो, सारे पेरेंट्स ने अपने कैमरे ऑन कर दिए हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की फोटोज को कैप्चर करने के लिए। इधर देखो, सामने देखो, इधर देखो, नाम तेरा पहचान।
सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।